सबसे खुशी की बात यह है कि 9 अप्रैल 2021 से आईपीएल शुरू होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि विश्व की सबसे प्रेस्टिजियस और मोस्ट पॉपुलर लीग है, जल्दी ही शुरू होने वाली है। इंडियन प्रीमियर लीग विश्व की सबसे बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट लीग है। आइए इसकी हिस्ट्री और कुछ डिटेल्स डिस्कस करते हैं। आईपीएल का ये 14वां सीजन है जो कि 9 अप्रैल को शुरू होने वाला है। इसमें विश्व की सारी टीमों के सबसे बढ़िया प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हमने इसके पहले के 13 सीजन्स में ये भी देखा है कि सारी 8 टीमों के बीच एक फियर्स राइवलरी थी, जो कि 14वें सीजन में भी दिखाई देने वाली है। और इस बार का सीजन भी पहले वाले 13 सीजन्स की तरह सुपरहिट होने वाला है। मुझे अभी भी याद है कि करीब 20-21 साल पहले, तकरीबन 1998 या 2000 में, जब हम लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग या एनबीए के मैचेस देखा करते थे, तो हमें ये जरूर लगता था कि काश भारत में भी एक ऐसी लीग हो जिसमें कि विश्व के टॉप मोस्ट प्लेयर्स पार्टिसिपेट करें। अप्रैल 2008 में आईपीएल को लॉन्च किया गया और बहुत जल्दी ही ये वर्ल्ड की टॉप मोस्ट लीग बन गई, और इसको इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा और एनबीए के साथ कंपेयर किया जाने लगा। इसमें बहुत सारी लीग्स बहुत ही पुरानी हैं, जैसे कि एनबीए को 1946 में शुरू किया गया था, लेकिन आईपीएल बहुत जल्दी सुपरहिट हो गई और फॉरेन के बहुत सारे प्लेयर्स आईपीएल में पार्टिसिपेट करने का ख्वाब देखने लगे। अगर आपको याद हो तो इंडिया के पहले के प्लेयर्स इंग्लिश काउंटी खेलने जाते थे और ये बहुत बड़ी बात होती थी, जैसे कि सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, जवाहर शिवनाथ और भी बहुत सारे प्लेयर्स। लेकिन इंडिया के जो आज के प्लेयर्स हैं, जैसे कि विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा या फिर जसप्रीत बुमराह, इनको इंग्लिश काउंटी खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो क्रिकेट है वो न सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पर स्किल और कंपटीशन के लेवल पर भी बहुत हाई है। आईपीएल की पॉपुलैरिटी से इंडिया की ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी हाई हुई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेवजह आईपीएल को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में कुछ ऐसा काम करे जिससे कि भारत का नाम ऊंचा हो, ना कि खाली बैठकर आईपीएल की पॉपुलैरिटी से जलते रहें। आइए आईपीएल की हिस्ट्री को समझते हैं। 13 सितंबर 2007 को बीसीसीआई ने नई दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल इवेंट में इंडियन प्रीमियर लीग को लॉन्च किया था, और ये अनाउंस किया था कि अप्रैल 2008 में आईपीएल शुरू किया जाएगा। उस समय के बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ही आईपीएल के मास्टरमाइंड थे, और उन्हीं की लीडरशिप में इस पूरे टूर्नामेंट को डिज़ाइन किया गया था। 24 जनवरी 2008 को ओनर्स का ऑक्शन किया गया। ध्यान दीजिए, प्लेयर्स का ऑक्शन नहीं, ओनर्स का ऑक्शन किया गया, और सारे फ्रेंचाइजेस का टोटल बेस प्राइस $400 मिलियन था, लेकिन एक्चुअल बिडिंग के बाद ये बढ़कर $723.59 मिलियन हो गया। 2008 में जो प्लेयर ऑप्शन था वो आज के प्लेयर ऑप्शन से काफी डिफरेंट था, क्योंकि उस समय आइकन प्लेयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। आइकन प्लेयर्स इंडिया के वो टॉप प्लेयर्स थे जो होम टीम को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर मुंबई को, राहुल द्रविड़ बैंगलोर को, सौरव गांगुली कोलकाता को, वीरेंद्र सहवाग दिल्ली को। ये इसलिए भी किया गया जिससे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट होम टीम में बना रहे। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था जिससे कि फैन का इंटरेस्ट होम टीम में बना रहता है और वो खुद को होम टीम से आइडेंटिफाई कर सकता है। कुछ ऐसे भी बड़े प्लेयर्स थे जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी की कोई होम टीम नहीं थी, उनको चेन्नई ने एब्जॉर्ब कर लिया, और हम सब जानते हैं कि एमएस धोनी चेन्नई की फैन से कितना अटैच्ड हैं। अगर हम पहले आईपीएल के ऑक्शन के कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो इंडिया के पहले प्लेयर जिनको कि साइन किया गया वो थे महेंद्र सिंह धोनी, और वो आईपीएल के सबसे कॉस्टलियस्ट प्लेयर भी थे 10.73 करोड़ में। शेन वॉन फॉरेन के सबसे पहले प्लेयर थे जिनको कि साइन किया गया। एंड्रू साइमंड फॉरेन के सबसे कॉस्टलियस्ट प्लेयर थे जिनको कि साइन किया गया 9.66 करोड़ में। अंडर 19 कैटेगरी में विराट कोहली सबसे कॉस्टलियस्ट प्लेयर थे, जो कि उस समय अंडर 19 टीम के कप्तान भी थे। आइए आईसीएल इंडियन क्रिकेट लीग की बात करते हैं, जिसके कि रेस्पॉन्स में आईपीएल को शुरू किया गया था। आईसीएल को आईपीएल के पहले 2007 में लॉन्च किया गया था, जिसको कि फंड किया गया था जी ग्रुप के द्वारा। आईसीएल को बीसीसीआई और आईसीसी दोनों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, और बीसीसीआई बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि कुछ कमेटी मेंबर्स ने आईसीएल गवर्निंग बॉडी को ज्वाइन कर लिया था। कपिल देव और किरण मोरे जैसे बड़े प्लेयर्स ने आईसीएल का सपोर्ट किया था। बीसीसीआई ने डोमेस्टिक प्लेयर्स की सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जिससे कि वो आईसीएल ना ज्वाइन कर सके।
बीसीसीआई एक और रूल लेकर आया कि जो भी आईसीएल ज्वाइन करेगा उस पर लाइव बैन लगा दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्लेयर कभी भी रणजी ट्रॉफी या फिर इंडिया के लिए नहीं खेल सकता। आईसीएल के आने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की सैलरी काफी बढ़ गई और ये भी क्लियर हो गया कि T20 टूर्नामेंट का इंडिया में बहुत स्कोप है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आईपीएल की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही, आईसीएल फेड हो गया। अगर हम ब्रांड वैल्यू की बात करें तो 2015 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू को 475 बिलियन इंडियन रुपीज एस्टिमेट किया गया था और बीसीसीआई के हिसाब से आईपीएल ने 11.5 बिलियन इंडियन रुपीज जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया था। बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने बहुत ही अच्छा और एक्सेप्शनल काम किया है विपरीत और चैलेंजिंग सिचुएशंस में आईपीएल को एग्जीक्यूट कराने का। 2009 में जब जनरल इलेक्शन आईपीएल के साथ क्लैश कर रहा था तो आईपीएल को सक्सेसफुली साउथ अफ्रीका में करवाया गया। पिछले साल 2020 में चैलेंजिंग टाइम्स में आईपीएल को दुबई में बायोसिक्योर बबल में कराया गया। आईपीएल भारत में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और इंडियन इकोनॉमी में भी इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है। आईपीएल भारत में एक त्यौहार की तरह है जो कि 9 अप्रैल को शुरू हो रहा है और हम आशा करते हैं कि इस बार भी पिछले 13 सीजन्स की तरह ये सफलता की ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विनोद सिंह, नमस्कार।